Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Prajakta. Today I have something special in store for you, a relaxing DIY facial you can do right in the comfort of your own home. It's perfect for a little self-care and to help you feel refreshed and rejuvenated. So let's get started. So the very first thing you can see, I am tying my hair with a headband. You can use any headband. I am using the headband this I have got from Miniso and it's really very very good. So after I am done tying my hair, let's start with the very first step, that is cleansing your face. So as we are doing DIY facial, हम सारे प्रोडक्ट्स विच आर रेडिली अवेलेबल एट आर होम वही यूज करने वाले हैं. सो दिस इज द स्टेप दैट इज क्लिंजिंग, जिसके लिए हमको मिल्क और कॉटन लगेगा. यू कैन सी इट कि मैं मिल्क और कॉटन को पूरे अपने फेस पे लगा रही हूँ. दिस वे इट विल नॉट ओनली क्लीन योर डर्ट एंड इम्प्योरिटीज बट ऑल्सो विल गिव यू अ नाइस सर्फेस टू डू फेशियल. नाउ सबसे पहले मिल्क, आपको पता ही होगा कि उसके अंदर लैक्टोस होता है एंड वो बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटीज़ क्लियर करने में हेल्प करता है. आप अगर रोज़ भी मिल्क आपके फेस पे लगाए और कॉटन से आपको उसको पोंछ दे, बहुत सारा डर्ट और इम्प्योरिटीज़ ऐसे ही निकल जाएगा. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज़ क्लिंजिंग. Whenever you are doing any step, do not forget your neck area as well. So you can see, यहाँ पे मेरा पूरा first step, that is cleansing, हो गया है. Once we are done with the very first step, let's move to the second step, that is scrubbing. Now, scrubbing करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. हर एक हफ्ते में भी अगर आप एक बार स्क्रब करें, आपको फेस को क्लिंस करें, तो एक नेचुरल क्लीनअप हो जाता है आपके फेस का. सो एज दिस इज DIY फेशियल, व्हाट आई विल बी यूजिंग इज शुगर, हनी एंड लेमन. ये तीनों का आपको मिक्सचर करना है एंड हाउ आई एम अप्लाइंग ऑन माय फेस, वैसे आपको ये तीनों भी चीज़ें आपके फेस को अप्लाई करनी है. नाउ योर स्किन कैन बी सेंसिटिव, so you just have to be careful and you have to be very very gentle while exfoliating or scrubbing on your face. और करने से पहले I would suggest just do a patch test so that आपको कोई भी एलर्जी भी ना हो और इसके साइड इफेक्ट्स भी ना हो. Now whenever I am applying scrub, yes, what I do first is I apply it all over my face and then मैं जेंटली मसाज करती हूँ. एज आई टोल्ड यू ऑल, एक्सफोलिएटिंग हेल्प्स यू टू गेट योर स्किन रिड ऑफ डेड स्किन सेल्स. दिस विल ऑल्सो लीव योर स्किन फीलिंग स्मूद एंड रेडियंट. तो ऐसे आपको सर्कुलर मोशन में उसको आपके फेस पे लगाना है एंड देन मसाज करना है. Here is the second step, that is scrubbing. Third step is steaming. Once you are done with scrubbing, what you'll do is just wash your face with water and take steam. Now I have this Agaroka steamer, so that makes my work really easy. But if you don't have steamer, एक बर्तन में आपको पानी लेना है एंड यू जस्ट हैव टू फील द हीट एंड दैट वाटर शुड बी रियली हॉट वाइल यू आर स्टीमिंग. व्हाट डज स्टीमिंग डू टू योर स्किन? इट रियली अलाउज यू टू ओपन योर पोर्स, इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड लीव्स योर स्किन क्लीन, फ्लश्ड एंड ग्लोइंग. सो दिस इज ऑल अबाउट स्टीमिंग योर फेस. Now you have to be really very careful for doing this because अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है, so avoid doing it. Dry है, थोड़ा कम कीजिए.
ऑयली भी है, एक्ने है, एट दैट टाइम ऑल्सो यू हैव टू बी रियली केयरफुल. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप दैट इज कॉल्ड एज स्टीमिंग. Moving towards the fourth step, that is removing blackheads. This is the blackhead remover. So, जैसे आप steam लेते हो या फिर scrub करते हो, बहुत सारी dead skin cells बाहर आ जाती है and easily आप उसको pull out कर सकते हो. Instead of using your nails or any sharp things, you just have to use this blackhead remover. और आपको अपने स्किन पे थोड़ा भी हार्श नहीं होना है. यू जस्ट हैव टू बी रियली काइंड टुवर्ड्स योर स्किन. जितना भी ब्लैक हेड या फिर डेड स्किन आपकी निकल रही है उतनी आप निकालिए, बाकी बस आप नेक्स्ट टाइम या फिर नेक्स्ट जब भी क्लीन करोगे फेस तभी निकाल सकते हो. सो आई वुड सजेस्ट जस्ट बी काइंड ऑन योर स्किन. After removing your blackheads, the very important and that is fifth step of this facial is massage. So, मैं यहाँ पे aloe vera gel ले रही हूँ और इसमें one capsule of vitamin E का मैं डालूँगी और ये पूरे फेस पे अच्छे से लगा लूँगी. So, massaging your skin, massaging your face really helps you to keep your skin tight. एंड आपके सारे यंग सेल्स को वो जगा देता है मसाजिंग. सो मसाजिंग के लिए मैंने एक सेपरेट स्टेप्स वीडियो शूट किया है, आपको वो ज़रूर देखना चाहिए, वो ज़रूर फॉलो करना चाहिए वेन एवर यू आर मसाजिंग योर फेस. सो उससे आपको हेल्प मिलेगी. आप यहाँ पे देख सकते हो आई हैव स्टार्टेड इट बाय व्हाट अप्लाइंग इट ऑल ओवर माय फेस एंड देन अपवर्ड मोशन में मैं अपनी फेस को मसाज कर रही हूँ. सो यू हैव टू मेंटेन योर काउंट, आप कितनी बार कर रहे हो. यू कैन सी मैं ऑलमोस्ट 4 times या 5 times हर एक स्टेप कर रही हूँ एंड आई एम रियली माइंडफुल वाइल डूइंग द मसाज. कोई भी स्टेप आपको हार्श नहीं करना है, रिलैक्स करना है अपना फेस, आपके फेस के सारे सेल्स को, और आपको रिलैक्सेशन फीलिंग आनी चाहिए, ऐसे आपको मसाज करना है. सो जस्ट फॉलो द स्टेप्स विच आर गिवन इन द वीडियो, दैट विल रियली हेल्प यू टू हेल्प योर स्किन विद द हेल्प ऑफ मसाज, हेल्प योर फेस विद द हेल्प ऑफ मसाज. सो हियर आई एम पुलिंग माई एंटायर चीक्स अबाव, देन अंडर आई. Your brows, you just have to with the help of your knuckles आपको stretch करने हैं brows को. Forehead. And then follow the steps if you want. So ये आपको near about 5 to 7 minutes के लिए करना है. The best way of doing massage is what I feel is, मैं क्या करती हूँ, हमको समझ में नहीं आता है कि कितना time हमने किया है. I just put on the timer और उतने time के लिए I keep massaging my skin and I keep doing those steps that gives me relaxation.
Once you are done, take one cotton pad और कोई भी cotton आप ले सकते हो और wipe out कर दो जो भी extra है. Generally कुछ रहता नहीं है, you just absorb all of those goodness in your skin. But अगर कुछ भी है तो इससे वो निकल जाएगा. Now here I am doing the next step, that is the sixth step of applying face mask. जो भी आपने अभी तक ट्रीटमेंट की है वो आपको अच्छे से फेस मास्क से रिलैक्सेशन और वो पूरे फेस तक के अंदर तक जानी चाहिए, इसलिए यू अप्लाई फेस मास्क. So what I have added in this face mask is all of the powders, that is sandalwood powder, multani mitti, then orange powder and besan, haldi and curd. Agar aapke paas ye sab nahi hai, you just have to do what? Take your besan, add haldi into it and with the help of milk. Now I would suggest if your skin is oily, don't use milk. If your skin is dry, you can use milk. So obviously milk has oil in it. So agar aap oily skin pe milk lagaoge, aapko aur oiliness aayegi. So aap uske jagah pe ek to aap rose water use kar lo, ya fir aap normal water aap use kar sakte ho, and then apply it all over your face. Okay guys, so here I am done with all of the steps. I hope you like this facial video. Keep this mask for about 10 minutes and see the shine on your face. Thank you so much for watching.